तो हम शुरू करते हैं वीडियो को। तो आपको जो ई श्रम कार्ड है मोबाइल से फिंगरप्रिंट की मदद से आज बनाना सिखाएंगे, किस तरह से बनाते हैं। तो जैसे हम इसका प्रोसेस शुरू करते हैं, तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, इसमें कस्टमर का जो मोबाइल नंबर है वो डालना होगा, और डालने के बाद कैप्चा कोड को फिल करके आपको सेंड ओटीपी पे क्लिक कर देते हैं। तो दोस्तों जैसे कि हमने सेंड ओटीपी पे क्लिक कर दिया है, और जो हमारा मोबाइल रखा हुआ है सामने, और उस पर जो ओटीपी आ चुका है अभी, तो ओटीपी देखने के बाद इसमें हम जैसे दर्ज करेंगे, और दर्ज करने के बाद फिर हमें सबमिट पे क्लिक करना होगा दोस्तों, ठीक है। तो जैसे कि अभी हम जो ओटीपी है वो अभी निकाल रहे हैं, जैसे कि ओटीपी आ चुका है हमारा, और ओटीपी इसमें हम अभी फिल कर देते हैं, और फिल करने के बाद जो ग्रीन वाला जो बटन है वो शो होकर आ गया है, इस पर हम क्लिक कर देते हैं। और दोस्तों जैसे कि हमने ओटीपी क्लिक करने के बाद आपके सामने आधार कार्ड डालने का जो ऑप्शन है वो खुलकर आ गए हैं, तो इसमें अभी हम आधार कार्ड नंबर डाल देते हैं कस्टमर का। और जैसे ही आधार कार्ड नंबर को डालेंगे हम, और डालने के बाद उसका कैप्चर को हमको क्लिक करना होगा, ठीक है। तो दोस्तों क्या करना है हमें, अभी जो हमारी मॉर्फो डिवाइस है वो इस सॉफ्टवेयर पर काम नहीं कर रही है, इसके लिए हमको चाहिए इंस्टाटेक की डिवाइस। तो आपको इंस्टाटेक की डिवाइस ले लेनी होगी, इसका प्राइस करीब मार्केट में 1000 से 1500 रुपये के लगभग में होगा। और दोस्तों जो हमारी मॉर्फो की डिवाइस है उसका प्राइस करीब 6 से 6500 के लपेट में है, E3 का। और दोस्तों जैसे कि जो हमारा इंस्टाटेक है, इसका आपको एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना होगा जो प्ले स्टोर से। तो अभी हम सॉफ्टवेयर को भी डाउनलोड करना बता देते हैं कि कौन सा सॉफ्टवेयर है इसका। तो जैसे कि इसको प्ले स्टोर पे जाएंगे, प्ले स्टोर पे जाने के बाद आपको यहाँ डालना होगा दोस्तों इंस्टाटेक, और इंस्टाटेक डालने के बाद आपके सामने जो सॉफ्टवेयर है ये वाला सॉफ्टवेयर, तो इसको हम इंस्टॉल कर लेंगे। जैसे कि मैंने यहाँ पर ओपन इसलिए दे रहा है दोस्तों क्योंकि मैंने पहले से ही इंस्टॉल करके रख लिया है, ठीक है दोस्तों। अब हम इसी डिवाइस की मदद से कस्टमर का फिंगरप्रिंट स्कैन कर पाएंगे, ठीक है दोस्तों। तो जैसे कि अब हम इसकी डिवाइस की मदद से कैप्चर लेते हैं फिंगरप्रिंट का, तो दोस्तों तो अभी मैं आप देख रहे होंगे कि जो इस डिवाइस की मदद से हमने कैप्चर को सक्सेसफुल कर लिया है, और सक्सेसफुल करने के बाद तो इस तरह से कैंडिडेट का जो आप देख रहे होंगे, बिल्कुल मैंने फिंगरप्रिंट की डिवाइस की मदद से पूरा आधार कार्ड की EKYC खुलकर आ रही है। और अब हम बिल्कुल आसान तरीके से ई श्रम कार्ड बना सकते हैं। तो दोस्तों बनाने का प्रोसेस तो आप समझ ही गए होंगे कि जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में बता दिया है, और उस वीडियो का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, उस वीडियो को देखकर आप बिल्कुल आसान तरीके से सारा प्रोसेस बना सकते हैं। तो कुछ स्टेप मैं अभी आपको बता देता हूँ कि किस तरह से आपको ई श्रम कार्ड बनाना है। तो दोस्तों आपको इस तरह से कुछ ऑप्शन है जहाँ में वो फॉलो करने होंगे। तो जैसे कि हम अभी इसको सब डाटा फिल करके दिखा देते हैं, यहाँ पर फादर्स नेम पड़ेगा इनका, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों हमने इस डिवाइस की मदद से आप देख रहे होंगे कि ई श्रम कार्ड बिल्कुल हमने पूरी तरह से बना के दिखा दिया है। और यहाँ पर तो दोस्तों आपको अगर मोबाइल से बनाना होगा तो ये इंस्टाटेक की डिवाइस को यूज करना होगा, तभी आप ई श्रम कार्ड बना पाएंगे। अगर दोस्तों आप चाहते हैं तो हमें मंत्रा की डिवाइस भी यूज कर सकते हैं इस श्रम कार्ड के लिए, ठीक है दोस्तों। अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।